हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास रे हमें डिस्कशन करबा किछ इंपोर्टेंट जनरल स्टडीज क्वेश्चन जहाँ कि आप एलटीआर एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची जीएस क्लास नंबर 2, एथरे हमें डिस्कशन करबा टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपकमिंग एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका इंपोर्टेंट रहा सहित आपर ओएसएपी आईआरबी ओडिशा पुलिस एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया। से कहते क्षेत्रफल दृष्टिकोण रु या भितर कौ स्टेट बा कौ राज्यटा छोट अटे। तो आमर इंडिया रे क्षेत्रफल दृष्टिकोण रु सब छोट राज्य हूँ कौटा से पचारि, हिमाचल प्रदेश ना पंजाब ना गोवा ना सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हूँ गोवा। क्षेत्रफल एरिया वाइज सब स्मॉलेस्ट स्टेट हूँ गोवा। आउ आम एरिया वाइज सब लार्जेस्ट स्टेट पचार, लार्जेस्ट स्टेट पचारा तो कौन हम ना आम राजस्थान। मन रखिए लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान आ स्मॉलेस्ट हूँ गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज इन डैश। आमर जो स्टेट एम्ब्लेम रही, आमर जातीय जो सहंती रही, इंडिया रो स्टेट एम्ब्लेम रही, से जो इंस्क्रिप्शन अच्छी शिलालेख लेखा अच्छी कौ भाषा लेखा अच्छी शिलालिपि इंस्क्रिप्शन जो करा जाए कौ कौ स्क्रिप्ट करा जाए पचारि। तो देवनागरी ना देवमुखी ना देवा देवालक्ष्य ना नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होची देवनागरी स्क्रिप्ट रे लेखा अच्छे। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योटो प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट टू। क्योटो प्रोटोकॉलटा आमर क्या सहित क्योटो प्रोटोकॉल गोटे एग्रीमेंट होता से क्या सहित संपर्कित, रेड्यूस ग्लोबल वार्मिंग ना रेड्यूस एसिड रेन ना अंडरटेकिंग प्लांटेशन प्रोग्राम ना रेड्यूस सॉइल एरोजन। तो देखते क्योटो प्रोटोकॉलटा आप जो होता से रेड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, आमर जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट रिलेटेड आमर एग्रीमेंट होता। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर रेड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू आंडामान आइलैंड। से कहते या भितर कौटे गोटे फॉरेन देश विदेश देश जहाँ कि आमर आंडामान आइलैंड को लगिक रही। तो आंडामान आइलैंड को लगिक रही देश हूँ कौटा से म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी होगा आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स। से कहते फोर्स मापिया फोर्स जो मेजर कर यूनिट कौन, फोर्स रो मेजर करिवार यूनिट कौन पचार। तो न्यूटन देची, जूल देची, वाट देची, पास्कल देची। तो फोर्स रो मेजरिंग यूनिट हूँ कौन ना न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द स्वेटलिंग कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स और गेम्स। से कहते स्वेटलिंग कपटा आमर क्यों खेल सहित संपर्कित, स्वेटलिंग कप क्यों खेल सहित संपर्कित, चेस ना टेबल टेनिस ना गोल्फ ना क्रिकेट। तो स्वेटलिंग कपटा आमर कौन सहित संपर्कित ना आमर टेबल टेनिस सहित संपर्कित। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप, हु वाज द इंडियाज फास्ट वुमेन ग्रांड मास्टर इन चेस। से कहते चेस रे इंडिया रो प्रथम महिला ग्रांड मास्टर किए बोली पचारि। तो देखु चेस रे इंडिया रो प्रथम महिला ग्रांड मास्टर पचारि, तो इंडिया फास्ट वुमेन ग्रांड मास्टर होती किए ना से होती एस विजय लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु बिल्ट ए जगन्नाथ टेम्पल ए टेकाली इन 1150 AD टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ हेर डिसीज हजबैंड। तो से कहते जे आमर 1150 AD रे टेकाली ठारे किए जगन्नाथ मंदिर निर्माण करते मृत स्वामी मेमोरी स्मृति बनईले। तो ये आम चार ऑप्शन देचे, कस्तूरी कामोदिनी कलावटी देवी ना त्रिभुवना देवी ना चंद्रिका देवी। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना आम करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी कामोदिनी। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कस्तूरी कामोदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रे सीआरआर फुल फॉर्म कौन,
इकोनोमिक्सरे सीआरआर फुल फर्म पचार कैश रिटर्न रेसीो ना क्या रिजर्व रेसीो ना क्या रेसींग रेसीो ना क्या रिस्क रिजर्व तो सीआरआर इकोनोमिक्सरे सीआरआर रुल फर्म हो कैश रिजर्व रेसीो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कैश रिजर्व रेसीो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सॉन्ग वंदे मातरम अकर इन द बुक डैश से कहे आम वंदे मातरम सॉन्गटा आमर कौरे लेखा अच्छे वंदे मातरम सॉन्ग आमर कौ वंदे मातरम सॉन्ग कौरे मेंशन है तो आनंद मठ ना पोवर्टी एंड अन् ब्रिटिश रूल इन इंडिया ना गीतांजलि ना इंडियन पीपल तो देखु वंदे मातरम आमर लिखा जा पोएमटा आम लिखा जा आनंद मठरी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस से कहे इंडिया प्रथम महिला किए जे कि महाकाश को यात्रा करते महाकाश को यात्रा कर महाकाश को यात्रा कर प्रथम इंडियन भारतीय महिला हूँ किए ना से होंगे आमर कल्पना चावला ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया रा प्रथम मुख्य न्यायाधीश किए किए थे हू वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया रा प्रथम महिला इंडिया रा प्रथम मुख्य न्यायाधीश पचारी तो करेक्ट आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर बी जस्टिस हरिलाल जेके सुंदर कानिया शॉर्ट फॉर्म रे एच जे कानिया कहीपर एच जे कानिया तो किए प्रथम मुख्य विचारपति आम सुप्रीम कोर्ट रो प्रथम मुख्य विचारपति होती जस्टिस हरिलाल जेकी सुंदर कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया से कहे स्वाधीन भारतर प्रथम रेल मंत्री किए स्वाधीन भारतर प्रथम रेल मंत्री पचारी तो स्वाधीन भारतर प्रथम रेल मंत्री होती किए से होती जॉन माथाई ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर जॉन माथाई जदि पचार रिसेंटली हू इज रिसेंटली हूज करेंटली रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया पचारे अश्विन वैष्णव सॉरी तो वर्तमान अच्छा किए आम प्रथम रेल मंत्री होती जॉन माथाई आ वर्तमान अच्छा किए करेन्टली किए अच्छा करेन्टली अच्छा श्री अश्विन वैष्णव मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो से कहे इंडिया प्रथम गृहमंत्री किए थे इंडिया रो प्रथम गृहमंत्री बा होम मिनिस्टर थे किए ना से होती सर्दार वल्लभ भाई पटेल सर्दार वल्लभ भाई पटेल आ वर्तमान किए अच्छे होम मिनिस्टर आम इंडिया रो वर्तमान अच्छा होम मिनिस्टर बा गृहमंत्री अच्छा किए सी होती आमर अमित शाह अमित शाह मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स इन लंडन वाज से कहे आप फर्स्ट इंडियन किए जी कि आमर लंडन रो पार्लियामेंट रो हाउस ऑफ कॉमन रो मेंबरशिप थिला आमर जमी आम पार्लियामेंट रे आम लोकसभा राज्यसभा अच्छी से हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड एमती अच्छी तो से कहे हाउस ऑफ कॉमन रो प्रथम मेंबर किए होते इंडियन इंडियन जन इंडियन हिसाब से किए प्रथम लंडन रो हाउस ऑफ कॉमन्स रो मेंबरशिप थिले तो करेक्ट आंसर होची दादा भाई नावरोजी ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर दादा भाई नावरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज अग्निपुत्री से कहे एम भितर क्या अग्निपुत्री बोली कहुला एम क्या अग्निपुत्री बोली कहुए अग्निपुत्री नाम फेमस किए से होती टेसी थोमास ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर टेसी थोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू रोट वार एंड पीस तो देखते वार एंड पीस किए लिखिं वार एंड पीस पुस्तक लेखक किए पचारी तो वार एंड पीस पुस्तक लेखक होती लियो टॉलस्टॉय लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट से कहे माउंट एवरेस्ट को आरोहण कर प्रथम भारतीय किए आमर माउंट एवरेस्ट को आरोहण कर प्रथम भारतीय महिला पचारी फर्स्ट इंडियन वुमेन होती किए ना से होती बचेन्द्री पाल ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर बचेन्द्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन व्हिच डेट इज इंटरनेशनल लेबर्स डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर प्रतिवर्ष अंतराष्ट्रीय श्रमिक दिवस केबे पालन करा जाए इंटरनेशनल लेबर्स डे आमर पालन करा जाए केबे ना प्रतिवर्ष फर्स्ट मे को पालन करा जाए प्रथम
एक मे को आम पालन कराए इंटरनेशनल लेबर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्विच अफ द फॉलोइंग टू रिवर जॉइन एट देवप्रयाग। तो से देखते से कही देवप्रयाग ठार क्यों दुईटा नदीर मिलन होवप्रयाग ठार क्यों दुईट नदी मिलन हो पचार तो देवप्रयाग ठार दुईटा नदी मिलन हो दुईटा हूँ कौन से दुटा हूँ अलकानंद एंड भागीरथी। अलकानंद और भागीरथी ए दुटा नदीर मिश्रण स्थान को कौन कहुए ना देवप्रयाग बोली कहुए। ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया सबुठार सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौटा बोली से पचार। इंडिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान हूँ आमर भारत रत्न। भारत रत्न हूँ इंडिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आउ एग्जाम पे इंपोर्टेंट आमर करेंट अफेयर्स पचारि पारे एही वर्ष आमर इंडिया रे एही वर्ष केते जन को आमर भारत रत्न दि जाइछि तो पांच जन को भारत रत्न अवार्ड दि जाइछि। एग्जाम पचारि पारे 2024 रे केते जन को आमर हाउ मेनी वेर अवार्डेड भारत रत्न अवार्ड इन 2024। तो 2024 रे केते जन को भारत रत्न उपाधि पुरस्कृत करा जाइछि पचार ताले पांच जन को करा जाइछि। पांच जन भितरे मोस्ट इंपोर्टेंट रहउछि आमर किए ना आमर पांच जन भितरे किए पाइछंती ना आमर पाइछंती बिहार पूर्वतन फॉर्मर प्रधानमंत्री बिहार मुख्यमंत्री पाइछंती ता सहित आपर पाई आमर एम एस स्वामीनाथन पाई मरणोपरांत एम एस स्वामीनाथन पाई एम एस स्वामीनाथन जी कि आमर ग्रीन रेवल्यूशन जनक से मध्य पाई ता सहित पी भि नरसिम्हा राव मध्य पाई आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री मध्य पाई तो यही पांच जन को दि जाइए। तो आमर एम एस स्वामीनाथन इम्पोर्टेन्स रम एस स्वामीनाथन दि जाइए। आउ लालकृष्ण आडवाणी आमर बर्तमान जी अच्छा लालकृष्ण आडवाणी पूर्वतन भेटरान बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी को दि जाइए एम एस स्वामीनाथन को दि जाइए। आउ बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री को दि जाइए। तो यह सब आपर इम्पोर्टेन्स करेन्ट अफेयर्स से सब विषय कह तो भारत रत्न पांच जन को दि जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। से कहते बैंकिंग टर्मिनोलॉजी रे भीम रो फुल फॉर्म कौन भीम रो फुल फॉर्म कौन से पचार। तो भीम रो फुल फॉर्म हो कौन ना भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी ऑप्शन नंबर ए होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चैलेंजर डीप लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस। चैलेंजर डीप कौ ओसीयन अच्छी से पचार। आटलांटिक ओशियन ना आर्टिक ओशियन ना इंडियन ओशियन ना पेसिफिक ओशियन। तो चैलेंजर डीप आमर कौटी अच्छी चैलेंजर डीपटा आमर अच्छी पेसिफिक ओशियन रे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर पेसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द सेकेंड प्रेसीडेंट अफ इंडियन रिपब्लिक। से कहते इंडिया भारत द्वितीय राष्ट्रपति किए दुई नंबर राष्ट्रपति किए बनी थे फास्ट आम बनी किए प्रथम फास्ट प्रेसिडेंट आम राष्ट्रपति होती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फास्ट। तो द्वितीय पचार द्वितीय हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हूँ भारत द्वितीय राष्ट्रपति आ प्रथम हो आमर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोयना रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। से कहते कोयना रिवरटा कहार ट्रिब्यूटरी अटे कहार उपनदी अटे कोयना रिवर हूँ कृष्णा नदी ट्रिब्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर उपनदी हूँ कोयना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर इन। से कहते एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक हेडक्वार्टर कौटी अच्छी एक्जिम बैंक हेडक्वार्टर कौटी अच्छे पचार न्यू दिल्ली चेन्नई कोलकाता ना मुंबई। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक हेडक्वार्टर अच्छी मुंबई रे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सिक्किम शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सिक्किम तार सीमारेखा कौ देश सहित सेयार करुच्ची माने सिक्किम्र सीमा कौ देश सहित लगिक रही सिक्किम्र सीमा लगी आमर कौन भूटान सहित लगिक रही आमर ता सहित आपर चाइना सहित लगे आउ गए आमर रही लगी कौटी ना आमर नेपाल सहित लगी।
ଚାଇନା କାହା କାହାକୁ ସେୟାର କରୁଛି ବୋର୍ଡ଼ର ନା ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ବୋର୍ଡ଼ର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇନାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନେପାଳକୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭୁଟାନକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଆମର ନେପାଳ କିମ୍ବା ଚାଇନା ତ ଅପସନରେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଭୁଟାନକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଭୁଟାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଚାଇନା ଥା ଅପସନ ଥିବ ଚାଇନା ମାରିଥାନ୍ତେ, ନେପାଳ ଥିଲେ ନେପାଳ ମାରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ଅପସନ ଅଛି ଆପଣ ଅପସନ ଦେଖିକି କରିବେ। ଏ ତିନିଟା ଦେଶ ଲାଗିଛି, ଭୁଟାନ, ଚାଇନା, ନେପାଳ ଏଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତିନିଟା ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସିକିମକୁ ବୋର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲିଡର୍ସ ୱେର୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ଼ ଫର୍ ଦେର୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କନିକା ଏଜିଟେସନ। କନିକା ଏଜିଟେସନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କନିକା ଏଜିଟେସନ ପାଇଁ, କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଣ୍ଡ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଣ୍ଡ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଏଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କନିକା ଏଜିଟେସନରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଇନ୍ଦୁସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରେଟି 1960 ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି। ଆମର ଇନ୍ଦୁସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଯେଉଁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି 1960 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ସହରରେ ହେଇଥିଲା? ଇନ୍ଦୁସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରେଟି ଆମର 1960 ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ସହରରେ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା? ସେଇଟା କରାଚିରେ, ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ଏଇ ଟ୍ରେଟିକୁ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପାଲଘାଟ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜେସ୍। ସେ କହୁଛି କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାରେ ପାଲଘାଟ ଅଛି, ପାଲଘାଟଟା କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲଘାଟ ଆମର ଅଛି କେଉଁଠି ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ପାଲଘାଟ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଦ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେନର୍ ଆଣ୍ଡ ପକ୍ ଟ୍ରେସ୍। ସେ କହୁଛି ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେନର୍ ଆଣ୍ଡ ପକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଝି ଦେଇକି ଆମର ଏ ଦୁଇଟା ଆମର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେନର୍ ଆଣ୍ଡ ପକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି? ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି। ପକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମାନର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି ବା ଅଲଗା କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଥ୍ରୀ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଡେଡ଼୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଦ 42nd କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976। ସେ କହୁଛି 1976 ମସିହାରେ ଆମର 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଆସିଥିଲା, ତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରେ କେଉଁ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମର ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମସ୍କଟ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍, ମସ୍କଟ କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ପଚାରିଛି, କତର, ସାଉଦି ଆରବିଆ ନା ସର୍ବିଆ ନା ଓମାନ। ମସ୍କଟ ହେଉଛି କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ନା ମସ୍କଟ ହେଉଛି ଓମାନର କ୍ୟାପିଟାଲ, ମସ୍କଟ ହେଉଛି ଓମାନର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଓମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ସେ କହୁଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ନାଇଟେଙ୍ଗଲ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆର ନାଇଟେଙ୍ଗଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆର ନାଇଟେଙ୍ଗଲ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ରୂପେ ବା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ, ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସାରଳା ଦାସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ରାଇଟିଂ ହିଜ୍ ମହାଭାରତ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗଜପତି ରୁଲର୍ସ। ସେ କହୁଛି ଯେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଗଜପତି ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ଆମର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ଭାନୁଦେବ ଫୋର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
तो ऑप्शन नंबर सी होची कपिलेन्द्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स जॉइन एट रुद्रप्रयाग, तो से कह रुद्रप्रयाग के दुईटा नदी मिलन हो रुद्रप्रयाग में आमर कौ दुटा नदी मिली, तो करेक्ट आंसर है कौन ना आमर अलकानंद एंड मंदाकिनी। अलकानंद आ मंदाकिनी मिसिंट रुद्रप्रयाग में, अलकानंद भागीरथी मिसिंट कौटि देवप्रयाग में, अलकानंद पिंडार मिसिंट कौटि कर्णप्रयाग में। मन रखिए कर्णप्रयाग अलकानंद पिंडार आउ आमर देवप्रयाग हूँ आमर अलकानंद भागीरथी आ रुद्रप्रयाग हूँ अलकानंद मंदाकिनी। तो ये अलकानंद मंदाकिनी ए दुटा नदी कौटी मिसिंट ना रुद्रप्रयाग ठार मिसिंट। तो मन रखिए तीन टा क्वेश्चन आम बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आप पूर्व सी एच ट्रे आसाला बर्तमान आर एच ट्रे आसाला, तो से इम्पोर्टेन्ट रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एन इंटर गवर्नमेंटल इंटर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, से कह आमर कौटा गोटे कौटा आमर हेडक्वार्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी, एससीओ रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी से पचारि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर अच्छी कौटी ना अच्छे आमर चाइनार बेजिंग रे अच्छी। आउ एससीओ रो मीटिंग बर्तमान यही वर्ष 2024 रे किए आयोजित कर किए आयोजित कर ना आमर पाकिस्तान आयोजित कर पाकिस्तान आयोजित कर इंडिया रु आमर विदेश मंत्री एस जयशंकर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मन रखिए एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो, मे भी पचारि पारे 2024 एसियो समिट को किए आयोजित करियो किए रिप्रेजेंट करिबो, तो एस जयशंकर रिप्रेजेंट करिबो। आउ कोउ देश 2024 एसियो समिट को होस्ट करुछि ताहाले 2024 एसियो समिट को होस्ट करुछि वर्तमान पाकिस्तान। एटा मध्ये मन रखिए एग्जाम पे इम्पोर्टेंट काहेकि ना वर्तमान किछि दिन पर ही आपण मानकर एसियो समिट हेबा को जाउछि पाकिस्तान रे। आउ इंडिया तरफ रु केही भी डेलीगेशन जेबार नथिला किंतु आमर विदेश मंत्री को पठा जावा पई रिसेंटली न्यूज रे रही, तो विदेश मंत्री आमर जिबे सेठी डेलीगेशन रूपे रहिबे बा रिप्रेजेंट करिबे। तो ये आमर एससीओ रो हेडक्वार्टर अच्छी चाइनार बेजिंग रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया, तो से कहि इंडिया रो लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन कोठी अच्छी, इंडिया रो लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन को स्टेट रो अच्छी। लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन होची आंध्र प्रदेश रो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड आंध्र पड़े आसला, तो फास्ट होची गुजरात। सबठारु लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन होची गुजरात, सेकंड होची आंध्र प्रदेश। मन रखिबो आपनको पचारिबो व्हिच स्टेट हैज द सेकंड लार्जेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया, तो ये लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन पचारिछि सेकंड लॉन्गेस्ट पचारिबो ताहाले आंध्र प्रदेश मारिबे। फास्ट होची सबठारु अधिक लंबा कोस्टलाइन होची गुजरात रो, तापरे आंध्र प्रदेश रो। मन रखिए एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो, तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कहार अच्छी ना गुजरात रो अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज ओनली द फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, से कहे इंडिया एकमात्र महिला प्रधानमंत्री को नाम कौन, तो इंडिया एकमात्र महिला प्रधानमंत्री होती किए ना से होती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटरनिटी इन आवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश, से कहे जो आइडियल्स बा आदर्श रही लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटरनिटी ये सब आम प्रीएम्बल रे कौठू आना जा कौठू आणिक आडप्ट कर पचारि, तो आम कौठू आना जाटा कौ रिवल्यूशन आना जा पचार ग्लोरियस ना फ्रेंच ना रशियन ना व्हाइट, तो करेक्ट आंसर हो फ्रेंच रिवल्यूशन रु अणा जाइए। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर फ्रेंच रिवल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज सिग्मोमीटर मेजर, से कहते सिग्मो मनोमीटर द्वारा आम कौन मापिपर, सिग्मो मनोमीटर द्वारा मापिबार कौन नाम मापर ब्लड प्रेसर। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर ब्लड प्रेशर। सिग्मो मनोमीटर द्वारा आम मेजर कर पार कौन ना ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, से कहे इंडिया किए नेशनल इमरजेंसी घोषणा करे, इंडिया रे नेशनल इमरजेंसी घोषणा करिवार अथॉरिटी बा अधिकार का पाखर अछि, इंडिया रे कोनसी समय रे नेशनल इमरजेंसी आमर डिक्लेयर करिवार अधिकार अछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶକୁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲକାନୋ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲକାନ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲକାନ କେଉଁଠି ହେଉଛି ପଚାରିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମୈସୁର। ମୈସୁରର ଟାଇଗର ବା ବାଘ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ହାଇଦର ଅଲ୍ଲି, କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଜା ୱାଡ଼ିୟାର ନା କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବରାୟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ କୁହାଯାଏ ମୈସୁର ଅଫ୍ ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମୈସୁର। ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମୈସୁର, ମୈସୁରର ବାଘ କୁହାଯାଏ ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଅଥର୍ଡ ଦ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏନ୍ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଅଫ୍ ପୋଏମ୍ସ। ତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୋଏମ୍କୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୋଏମ୍ର ଅଥର୍ କିଏ, ଲେଖକ କିଏ? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୋଏମ୍ର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲିଟରେଚର୍ରେ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ଟା ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଅଣାଯାଇଛି, କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଅଣାଯାଇଛି ବା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମେଥଡ଼ଟା ଆମର ଅଣାଯାଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ବର କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ସମ୍ବିଧାନରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର୍ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସେ କହୁଛି ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ କେଉଁ ଫିଚର୍ଟା ଆମର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ରହିଛି। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଣାଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଏଇଟା ଆମର USSR ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ରଷିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରଷିଆର ସମ୍ବିଧାନରୁ ବର କରାଯାଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ତ କେଉଁଟା ଫିଚର୍ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତ ଫିଚର୍ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, କାହିଁକିନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ଟା ଆମେରିକାରୁ ନୁହେଁ, ଆମର ରୁଷ୍ରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରୁଷ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆପଣ 50ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।